एक दौर वो था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में ही नमक का व्यापार करने आए और धीरे धीरे इंडिया को लूट कर चले गए। और एक आज का दौर है जब हमारी ही गवर्नमेंट हमारा ही डाटा लूट रही है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सभी सोशल मीडिया कंपनीज को 3 महीने का वक्त दिया था और कहा था कि 25 मई 2021 तक जो भी नए आईटी रूल्स आए हैं उनको फॉलो किया जाए, नहीं तो उनको बैन कर दिया जाएगा। पर अभी तक किसी भी कंपनी ने इन आईटी रूल्स को फॉलो नहीं किया है, एक्सेप्ट इंडियन वर्जन ऑफ ट्विटर कू को छोड़कर। ये टाइम इन कंपनीज के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर ये आईटी रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं तो इंडियन गवर्नमेंट जो इन्हें प्रोटेक्शन देती है वो इनसे वापस ले लेगी। यानी कि जब भी इनमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपलोड किया जाता है तो कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति इन पर डायरेक्टली केस नहीं कर सकता है, इन पर डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकता है। एक्शन और केस अगर किया जाएगा तो उसी पर्सन पर किया जाएगा जिसके थ्रू ये कंटेंट अपलोड हुआ होगा। लेकिन अगर अब ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट इनसे ये प्रोटेक्शन वापस ले लेगी, जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति इन पर डायरेक्टली चार्ज कर सकता है, इन पर डायरेक्टली केस कर सकता है, एक्शन कर सकता है। तो इसलिए ये टाइम इनके लिए बहुत ही क्रूशियल है। तो अब जानते हैं कि ये नए आईटी रूल्स हैं क्या। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हर कंपनी को एक इंडियन कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो कि कंप्लेंट्स को चेक करेगा, कंटेंट को मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा और जो भी ऐसे कंटेंट होगा जो गाइडलाइन के विरुद्ध होगा उसको रिमूव करेगा। और ये रूल हर कंपनी को मानना होगा। और साथ ही आपको बता दूं कि ये रूल OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी है, जैसे कि आपके Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स एटसेट्रा। इसी के चलते व्हाट्सएप ने इंडियन गवर्नमेंट पे केस कर दिया है और कहा है कि ये जो नए रूल्स हैं इसके चलते जो लोगों की प्राइवेसी है वो खत्म हो जाएगी, एंड टू एंड जो इनक्रिप्टेड चैट होती है वो खत्म हो जाएगी। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो व्हाट्सएप में अभी तक जो भी चैट्स होती हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती हैं, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई नहीं होता है, ये बिल्कुल एंड टू एंड चलती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स जो एक ये इंडियन कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है, ये अब सेंडर और रिसीवर के बीच में आके बैठ जाएगा, जिसके वजह से ये जो प्राइवेसी है ये पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इंडियन कंप्लायंस ऑफिसर होगा ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को रिमूव करेगा। तो यहाँ बात ये समझने की है, ये डिसाइड कौन करेगा और ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा कंटेंट जो है वो ऑब्जेक्शनेबल है और कौन सा कंटेंट है जो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। अभी कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर से बहुत से हैशटैग रिमूव करवाए थे, जिसमें एक प्रमुख हैशटैग था, वो था #resignmodi। और ऐसे बहुत से ट्वीट थे जो इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उन्हें हटवा दिया गया था। तो अगर ऐसे देखा जाए तो इसका मतलब अभी का जो कंटेंट चल रहा है उससे दिक्कत है गवर्नमेंट को, और इसी के लिए उन्होंने अपॉइंट कर दिया है अपना ही पर्सन। और क्योंकि दिक्कत है गवर्नमेंट को तो कंप्लेंट भी गवर्नमेंट ही करेगी और उस कंप्लेंट पर एक्शन भी लेगा उन्हीं का बंदा, यानी कि उन्हीं का पर्सन जो अपॉइंट होगा कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में। यानी कि घूम फिर कर सारी पावर आ जाएगी गवर्नमेंट के हाथ में। तो इससे जो आम जनता की फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो खतरे में नहीं पड़ जाएगी, वो छीन नहीं ली जाएगी। खैर ये तो एक सवाल है, पर फेसबुक ने भी ये कहा है कि उसकी जो नई पॉलिसीज आई हैं उसके तहत बिजनेस में और ग्रोथ होगी, बिजनेस करना और इजी होगा, उससे प्राइवेसी खत्म नहीं होगी। पर यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि फेसबुक ने बिजनेस की बात क्यों की, जबकि बिजनेस की बात तो व्हाट्सएप को करनी चाहिए क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू बिजनेस होता है और व्हाट्सएप ने ही अभी नई पॉलिसीज लाई हैं। तो आपको बता दूं कि जो WhatsApp है वो Facebook के अंदर आ चुका है, तो जो भी प्राइवेसी पॉलिसीज WhatsApp की रहती है वो Facebook की भी रहती है, दोनों की सेम ही रूल्स रहते हैं, दोनों के सेम ही टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है। और इसी के चलते जो WhatsApp बिजनेस ऐप है उसमें हम जो भी चैट्स करते हैं, जो भी बातें करते हैं, जो भी डाटा शेयर करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू प्राइवेसी पॉलिसी WhatsApp वो Facebook के साथ शेयर करता है। और फेसबुक तो बहुत समय पहले से ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को वॉयलेट करने के लिए चर्चाओं में रहा है, और अब गवर्नमेंट भी ऐसे रूल्स ला रही है जिसकी वजह से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ ये बात समझने की है कि इन दोनों को, कंपनीज और गवर्नमेंट को मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना होगा, एक ऐसी बात निकालनी होगी जिससे कि ये सेम पेज पर आ पाए, जिससे कि ना तो आम जनता की फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जाए, ना ही उनकी प्राइवेसी को हैम्पर किया जाए, और साथ ही जो भी ऐसा गाइडलाइन है उसको भी फॉलो किया जाए। अब यहाँ पर मैं एंड में यही बोलना चाहूँगा कि कंपनीज और गवर्नमेंट को मिलकर सेम पेज पर आना चाहिए और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिसकी वजह से जो आम जनता है उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ना खींचे और साथ ही में उनकी प्राइवेसी भी बनी रहे। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे कहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच जाए। और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार अब आपसे इजाजत चाहता हूं।